भाई साहब 2024 और 2025 कॉमेडी मूवी लवर्स के लिए काफ़ी कमाल का साल होने वाला है, क्योंकि ये 2 सालों में बहुत ही ज़बरदस्त कॉमेडी फिल्में आने वाली है। तो आज हम टॉप 10 कॉमेडी फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन फिल्मों के लिए ऑडियंस बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, और इन फिल्मों के अंदर हम सभी को ज़बरदस्त कमाल की कॉमेडी देखने को मिलेगी। तो चलिए देखते हैं, वैसे कुछ इंटरेस्टिंग फिल्में आ रही है, तो वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिए। शुरू करते हैं। मुंह में गरम गरम वो डालना पड़ेगा अपना, वो क्या है, दूध दूध। नंबर 10 पे वेलकम टू द जंगल। ये फिल्म बॉलीवुड की एक बहुत ही बड़ी मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्म होने वाली है, जिसमें अक्षय कुमार के साथ ढेर सारे एक्टर देखने को मिलेंगे। फिल्म में कुछ कमाल के एक्टर जिनको अच्छी कॉमेडी करने आती है वो भी देखने को मिलेंगे। फिल्म के डायरेक्टर ग्रेट डायरेक्टर अहमद खान हैं। ये फिल्म वेलकम फ्रेंचाइज की 3री फिल्म है, जिसको बहुत ही बड़े स्केल पर बनाया जा रहा है। श्रेयस तलपड़े जो कि फिल्म के अंदर देखने को मिलेंगी, उनका कहना है कि वेलकम 3 को देखकर हम लोग हंसते हंसते पागल हो जाएंगे। तो देखते हैं। वैसे ये बड़ी स्टार कास्ट वाली कॉमेडी फिल्म इसी साल 22 दिसंबर को आने वाली है। नंबर 9 पर एक अनटाइटल फिल्म। ये फिल्म एक कॉमेडी फिल्म होगी जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है। दरअसल ये फिल्म पहले 2023 में आने वाली थी थिएटर्स में, लेकिन ये मूवी अब 2024 में आएगी। इस कॉमेडी फिल्म में संजय दत्त और अरशद वारसी की जबरदस्त जोड़ी देखने को मिलेगी, जो कि फिल्म के अंदर कमाल की कॉमेडी करते हुए दिखाई देंगे। फिल्म को डायरेक्टर सिद्धांत सचदेव डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर आ चुका है, जिसमें आप ये दोनों एक्टर को जेल के अंदर देख सकते हो। अपना ख्याल रखना यार ब्रो। हाँ यार संजू, बट 4 महीने यहाँ पे रह के ना ये घर अपना सा लगने लगा। ये सामान लेके आओ। नंबर 8 पर है स्त्री 2। स्त्री 2 फिल्म बॉलीवुड की तरफ से आने वाली मच अवेटेड हॉरर कॉमेडी फिल्म है। ये फिल्म 2018 में आई सुपर हिट फिल्म स्त्री का सीक्वल होने वाली है, जिसमें हमको कमाल की कॉमेडी और हॉरर देखने को मिला था। ठीक उसी तरह से इस फिल्म के भी अंदर हमको जबरदस्त कॉमेडी प्लस हॉरर देखने को मिलेगा। स्त्री 2 फिल्म मैडॉक सुपर नेचुरल यूनिवर्स का पार्ट होगी, जिसमें कई सारी फिल्में ऑलरेडी आ चुकी है। फिल्म में वरुण धवन का स्पेशल कैमियो होगा एज भेड़िया। ये फिल्म के लीड रोल्स में एक बार फिर से राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर देखने को मिलेंगी। ये फिल्म 30 अगस्त 2024 के मौके पर देखने को मिलेगी। सच में पूछ रहे आप, ठीक से पहुंच जाएंगे ना? अलग चपकते हैं। नंबर 7 पर है खेल खेल में। ये फिल्म एक मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्म होने वाली है, जिसमें हमको कुछ दोस्तों की कहानी देखने को मिलेगी। इस फिल्म की स्टार कास्ट काफ़ी कमाल की है। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ फरदीन खान, एमी विर्क, आदित्य सिल, वानी कपूर, तापसी पन्नू दिखाई देंगी। अक्षय कुमार और फरदीन खान की कमाल की जोड़ी इस फिल्म के अंदर हमको एक बार फिर से देखने को मिलेगी। 2007 की सुपरहिट फिल्म ही बेबी के बाद फिल्म की शूटिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। फिल्म को डायरेक्टर मुदस्सर अजीज डायरेक्ट कर रहे हैं, जो कि हैप्पी भाग जाएगी और पति पत्नी और वो जैसी फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। वैसे ये फिल्म 2025 में रिलीज होगी। जैसे उसे पता चला मैरिड है, कतराने लगी। तब कुछ सूझा ही नहीं। तब नहीं सूझा, अब ऐसा सूझेगा कि ना बर्फ लगाए बनेगा ना मरहम। नंबर 6 पर है मडगांव एक्सप्रेस। ये फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें हमको 3 दोस्तों की कहानी देखने को मिलेगी, जो कि बचपन से गोवा जाने का सपना देख रहे हैं और वो बड़े होकर गोवा की एडवेंचरस ट्रिप मारते भी हैं। ट्रेलर लेवल पर ये फिल्म एक परफेक्ट कॉमेडी फिल्म लग रही है। फिल्म में दिव्येंदु शर्मा, प्रतीक गांधी, अविनाश तिवारी, नौरा फतेही देखने को मिलेगी। कमाल की बात यह है कि ये फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है कुणाल खेमू ने, जो कि कई बेहतरीन कॉमेडी रोल्स ऑलरेडी प्ले कर चुके हैं। ये फिल्म 22 मार्च 2024 के मौके पर आने वाली है थिएटर्स में। और थोड़ा औरतों की तरह चल, फिर संतरे ऊपर ले, ये बार बार नीचे गिर रहा है यार। नंबर 5 पे हाउसफुल 5 है। इस फिल्म के लिए हर कोई वेट कर रहा है और काफ़ी एक्साइटेड है, क्योंकि ये फिल्म इंडियन सिनेमा की अब तक की सबसे महंगी कॉमेडी फिल्म होगी, जिसका बजट 375 करोड़ होने वाला है। तो देखते हैं फिल्म के अंदर हमको क्या बवाल देखने को मिलता है। हाउसफुल 5 फिल्म एक हैवी VFX कॉमेडी फिल्म होगी, जिसमें हमको एक माइंड ब्लोइंग स्टोरी देखने को मिलेगी, ऐसा मेकर्स का कहना है। फिल्म को दोस्ताना फिल्म डायरेक्टर तरुण मनसुखा ने डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में अक्षय कुमार और रितेश देशमुख हमेशा की तरह मेन लीड में दिखाई देंगे। ये फिल्म पहले दिवाली 2023 को आने वाली थी, लेकिन अब ये मूवी 6 जून 2025 को आने वाली है।
ये मेरे पति नहीं है, पति परमेश्वर है। नंबर 4 पे है एक अनटाइटल कॉमेडी फिल्म। ये फिल्म एक बिग बजट कॉमेडी एंटरटेनर फिल्म होगी जिसको डेविड धवन डायरेक्ट करेंगे, जो कि कई कमाल की कॉमेडी मूवीज को बना चुके हैं, लेकिन इनकी पिछली कई सारी फिल्में बहुत ही बिलो एवरेज रही हैं, तो होपफुली ये फिल्म एक कड़क मूवी बनकर आए। ये फिल्म में वरुण धवन मेन लीड में दिखाई देंगे, जो कि डेविड धवन के डायरेक्शन में 3 मूवीज ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं तेरा हीरो, जुड़वा 2 और कूली नंबर 1। ये बाप बेटे का 4th कोलेब्रेशन होगा एक साथ, और ये डेविड धवन की 46th मूवी होने वाली है एज अ डायरेक्टर। जी हाँ, इस फिल्म में वरुण धवन 2 एक्ट्रेस के साथ रोमांस करते हुए दिखाई देंगे। फिल्म में 2 हीरोइन देखने को मिलेगी। ये फिल्म इस साल से फ्लोर पर जाएगी। वहीं ये बिग बजट कॉमेडी फिल्म अर्ली 2025 में रिलीज होगी। और अगर तुमने फिर भी जवाब नहीं दिया ना, I'll poke you. नंबर 3 पर है विक्की विद्या का वो वाला वीडियो। ये फिल्म एक फैमिली कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी की जोड़ी देखने को मिलने वाली है। ये फिल्म एक मजेदार कॉमेडी फिल्म होगी। फिल्म की कहानी 90 की दशक की है। कहानी एक छोटे से कस्बे की होगी जहाँ VHS टेप मिलता है, जिसमें विक्की विद्या का वो वाला वीडियो होता है। कौन सा वीडियो वो हमें फिल्म देखकर पता चलेगा। मेकर्स ने कहा है कि ये फिल्म 106% पारिवारिक होगी। फिल्म में हमको भरपूर कॉमेडी और फुल ऑन एंटरटेनमेंट मिलेगा, ऐसा फिल्म के डायरेक्टर ने वादा किया है। फिल्म के डायरेक्टर राज शांदिलिया हैं, जो कि ड्रीम गर्ल और ड्रीम गर्ल 2 जैसी बैक टू बैक हिट फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। दोनों मूवीज़ में अच्छी कॉमेडी थी। दोनों मूवीज़ ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ प्लस का नेट कलेक्शन भी किया था। ये फिल्म इस साल थिएटर्स में रिलीज होगी। इस टाइम तो भगवान ढूंढ रहे होंगे आपको। नंबर 2 पे है हीरा फेरी 3। हीरा फेरी 3 फिल्म बॉलीवुड की आने वाली एक ऐसी कॉमेडी फिल्म है जिसका हर कोई वेट कर रहा है, वो भी काफ़ी सालों से। ये फिल्म कल्ट कॉमेडी फ्रेंचाइज हीरा फेरी का 3rd इंस्टॉलमेंट होगी। हीरा फेरी और फिर हीरा फेरी में एकदम जबरदस्त कॉमेडी थी। दोनों फिल्मों को ऑडियंस से भरपूर प्यार मिला था। हीरा फेरी 3 फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल अपने आइकॉनिक कैरेक्टर राजू, श्याम और बाबू राव के रोल में दिखाई देंगे। मैं इस फिल्म के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और शिद्दत से वेट कर रहा हूँ। अगर आप भी मेरी तरह इस फिल्म का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप सभी को हीरा फेरी 3 जरूर लिखना है। कहा जा रहा है ये फिल्म वेलकम टू द जंगल फिल्म कम्प्लीट होने के बाद फ्लोर पर आएगी। इट मीन्स ये फिल्म 2025 में रिलीज होगी। नंबर 1 प्लेस पे है गोलमाल 5 फिल्म आने वाली है। फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट काफी साल पहले हो चुकी है। डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने कंफर्म कर दिया है कि ये फिल्म आने वाले 2 साल के अंदर ही आ जाएगी। इसका मतलब ये फिल्म हमको 2026 तक देखने को मिलेगी। रोहित शेट्टी ने कहा था कि ये फिल्म पिछली सभी फिल्मों से काफ़ी बड़ी होगी, जिसमें एक्शन तो नहीं होगा लेकिन धमाकेदार कॉमेडी होगी। तो देखते हैं। तो आप लोग कौन सी कॉमेडी फिल्म का वेट कर रहे हो, आप सबको लिखकर बताना है। वैसे ही मैं ये 3 फिल्मों के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ, जो कि आप लोग लिस्ट देख सकते हो। वीडियो ख़त्म करने से पहले यहाँ पर क्लिक करके आप लोग कुछ बड़ी आने वाली पैन इंडिया सीक्वल के बारे में जान सकते हो, जैसे कि एनिमल पार्क आने वाली है, सलार 2 आने वाली है, विक्रम 2 आने वाली है। इसके साथ बहुत सारी बड़ी फिल्में आ रही है, क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी टॉपिक का सजेशन हो तो प्लीज़ लिखकर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। शुक्रिया।